नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, नमस्ते यूपी के साथ मैं हूं शिल्पा। सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर आज उत्तर प्रदेश दिवस यानी कि यूपी दिवस का शुभारंभ होगा। 3 दिवसीय ये दिवस रहने वाला है, जिसका शुभारंभ आज सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। इस दौरान वहां मंच पर इस शुभारंभ समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित दिखेंगी। तो 3 दिवसीय यूपी दिवस का आज शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी दिवस का शुभारंभ करते नजर आएंगे। सुबह 10:30 बजे यूपी दिवस का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। यूपी दिवस के शुभारंभ के मौके पर प्रदेश को कई योजनाओं की सौगात भी दी जाएगी। यही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को मंच पर सम्मानित भी किया जाएगा। यूपी दिवस का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में करेगी यूपी सरकार। रामचरितमानस पाठ, आल्हा गायन, लोक नृत्य, हास्य कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव समेत कई हस्तियां आज इसमें शामिल होने पहुंचेंगी। पंचायती विभाग के स्वच्छता ग्राहियों और लाभार्थियों को भी सम्मानित आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस 3 दिवसीय यूपी दिवस का शुभारंभ करने पहुंचेंगे। बता दें आपको कि 25 जनवरी को ओजीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और खादी ग्रामोद्योग विभाग की भी प्रस्तुतियां वहां पर होंगी, वहां भी इनकी प्रेजेंटेशन लगाई जाएंगी। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के बाद 3 बजे से इसका समापन समारोह शुरू होगा। इस तरह से 3 दिन तक चलेगा ये यूपी दिवस। नीलेश चौहान हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। नीलेश, 3 दिवसीय यूपी दिवस के माध्यम से किस तरह के संदेश के साथ और कैसी तैयारियां वहां पर आज, क्योंकि 10:30 बजे शुभारंभ हो जाएगा। जी देखिए, 17वां यूपी दिवस का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। 24 से 26 जनवरी के बीच ये कार्यक्रम चलता है, जिसकी शुरुआत आज 10:30 बजे अवशिल्प ग्राम में की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे, उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी। अगर हम पूरे यूपी दिवस के कार्यक्रमों की बात करें तो उसमें साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है, चाहे रामायण का मंचन हो या फिर आल्हा गायन का मंचन हो, तमाम जो उत्तर प्रदेश की संस्कृतियां देश विदेश में फेमस हैं, उन तमाम संस्कृतियों को प्रस्तुत किया जाएगा यूपी दिवस में। और सीधा प्रसारण का यूपी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में करेगी। अगर हम पूरे कार्यक्रमों की बात करें तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति को आम जनता तक पहुंचाने का काम इसलिए किया जाएगा, सीधा प्रसारण इसलिए किया जाएगा ताकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको भी पता चल सके। उसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत जो 25 जनवरी को कार्यक्रम होगा, जिसमें तमाम हस्तियां शिरकत करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव भी यूपी दिवस में शिरकत करने पहुंचेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की हस्तियां हैं, चाहे वो राजू श्रीवास्तव हो या फिर अनु अवस्थी हो, जो कानपुर से आते हैं, जो मशहूर हास्य कलाकार वो भी माने जाते हैं, तो तमाम वो हस्तियां भी यूपी दिवस में पहुंचेंगी जो उत्तर प्रदेश के सरजमी से आती हैं। इसके अलावा अगर लाभार्थी रहेंगे जिन्हें मंच पर सम्मानित भी किया जाएगा। देखिए, अगर हम लाभार्थियों की बात करें तो जो व्यापारिक क्षेत्र में उत्कृष्ट जिन्होंने काम किया है, या सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है, या इसके अलावा जो राजनीतिक क्षेत्र में जिन लोगों ने उत्कृष्ट काम किया है, उन लोगों को सम्मानित भी करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सबसे पहला नाम अगर हम सम्मानित करने वालों में देखें तो सबसे पहला नाम जो है वो गोल्डी मसाले का आता है। गोल्डी मसाले के जो डायरेक्टर हैं, उनको आज सम्मानित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से आज उन तमाम हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा जिन लोगों ने कुछ काम किया है, या उनके काम के बदौलत कुछ लोगों को रोजगार मिला है, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ विकास के नाम पर उन्होंने कुछ किया है, तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को आज सम्मानित करने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सौगातें किस तरह की मिल सकती है, नीलेश, सौगातों को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर हम सौगातों के लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करती चली आ रही है। आज से जब यूपी दिवस की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं लखनऊ की अगर हम बात कर लें तो लखनऊ में तमाम ऐसी कलाकृतियां हैं, तमाम ऐसे हुनर हैं जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार शुरू कर सकती है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ की चिकन करी पूरे दुनिया में मशहूर है, तो कहीं ना कहीं चिकन की कढ़ाई जो है उसको देखा जाएगा, उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम आसपास के जिलों की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें तो जिस जिले से जो बेहतर लोग काम कर रहे हैं, जो वहाँ का फेमस है, तो कहीं ना कहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के रूप में आज उसको शुरू भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी घोषणा भी कर सकते हैं। इन तमाम सौगातों के साथ आज ये पूरा कार्यक्रम, जिसका शुभारंभ सुबह 10:30 बजे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, और इसका मकसद उत्तर प्रदेश की संस्कृति, यहाँ की विरासत को
दूर दराज तक तमाम लोगों तक पहुंचाना। शुक्रिया आपका नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी जानकारी के लिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यूपी दिवस का शुभारंभ करने वहां स्थल पर जाएंगे। वहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शुभारंभ समारोह में उपस्थित दिखेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यूपी सरकार ने निमंत्रण भेजा है। ये निमंत्रण है गंगा यात्रा में शामिल होने का। जी हाँ, गंगा यात्रा में शामिल होने के लिए यूपी सरकार ने ये निमंत्रण उन्हें भेजा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को 27 जनवरी को गंगा यात्रा में शामिल होने का अनुरोध उनसे किया है। सीएम योगी की तरफ से मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सीएम रावत को यह निमंत्रण पत्र भेजा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिजनौर से शुरू होकर ये जो गंगा यात्रा निकलेगी वहां से उसमें शामिल होने का आश्वासन भी दिया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जब गंगा यात्रा बिजनौर से शुरू होगी तो वहां पर कार्यक्रम में उपस्थित नजर आएंगे। इस बात का आश्वासन उन्होंने खुद दिया और इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने आमंत्रण दिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी गंगा यात्रा में शामिल होने का, जिस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि हाँ, वो वहां पर उपस्थित रहेंगे, इस गंगा यात्रा में वो शामिल होंगे। इसके बाद भी हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं वाजपेयी। गंगा यात्रा में शामिल होने के लिए यूपी सरकार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया है, जो उन्होंने आश्वासन के तौर पर कहा है कि हाँ, मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा। क्या कहा जाए, किस तरह से अब इस गंगा यात्रा के लिए बीजेपी की तमाम तैयारियां? बिल्कुल, जिस तरीके से 27 जनवरी से 31 गंगा यात्रा उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है, जिसमें दो गंगा यात्राएं, एक जो क्रॉस है दूसरी बढ़िया, जिसको लेकर सरकार ये प्रयास कर रही है बड़े पैमाने पर इसका भव्य आयोजन किया जाए, ताकि यात्रा हो शामिल होंगे। आदित्यनाथ स्वयं भी रात प्रवास भी ग्राम सभाओं में करेंगे, जिन ग्राम सभाओं से होकर ये गंगा यात्रा निकलेगी, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जिस तरीके से किनारे रहने वाले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, चाहे उत्तर प्रदेश लागू करने के बाद के तहत जो हाई और पार्क चीजें लागू रही हो, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जो के बीजेपी शासित प्रदेश है उसको भी इसमें बुलाया जाए। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सीएम मोदी को भी बीजेपी सरकार ने निमंत्रण भेजा है। उससे ये निवेदन किया है कार्यक्रम में शामिल हो, इस कार्यक्रम में शामिल होकर ठीक है। इस आयोजन को इस तरह से सफल बनाने की ये तमाम कोशिशें, तमाम बड़े चेहरों को इसमें इंक्लूड करते हुए लोगों तक गंगा यात्रा के पीछे के असल मकसद को पहुंचाने की कोशिश की, गंगा को अविरल और निर्मल बनाए रखने को लेकर, स्वच्छ रखने को लेकर किस तरह से सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें जन सहयोग का कितना महत्व है। शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहे वाजपेयी, आगे भी आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। इस तरह से 27 जनवरी को गंगा यात्रा में शामिल होने का अनुरोध किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से। अनुरोध यूपी सरकार की तरफ से, सीएम योगी की तरफ से मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने ये उन्हें आमंत्रण भेजा, जिसके बाद इस पर आश्वासन दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कि हाँ, हम वहां पर उपस्थित रहेंगे और इस तरह से इस गंगा यात्रा में शामिल होंगे। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी पुलिस को चुनाव आयोग सम्मानित करेगा। जी हां, बता दें आपको कि शांतिपूर्ण इलेक्शन के लिए यूपी पुलिस को यह सम्मान दिया जाएगा। यूपी पुलिस अफसरों को इलेक्शन कमीशन बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड से सम्मानित करेगा। चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पुलिस ऑफिसर्स को सम्मानित किया जाएगा। डीजीपी ओपी सिंह को मिलेगा बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड। इसके अलावा डीजी जेल आनंद कुमार को बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड आईजी प्रवीण कुमार को भी मिलेगा और साथ ही आईजी विजय भूषण को भी। एसपी कानून व्यवस्था कुंतल किशोर को बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड। इसके अलावा ये अवार्ड तत्कालीन एसपी जौनपुर आशीष तिवारी को भी मिलेगा। यही नहीं, एक और नाम इस अवार्ड के लिए, तत्कालीन एसएसपी मेरठ नितिन तिवारी। एसपी कानून व्यवस्था
चिरंजीव नाग सिन्हा को भी बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ये सम्मान होगा और एनुअल स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2019 से भी सम्मानित होंगे। एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। वाजपेयी, किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ इसकी रूपरेखा? बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी घटना नहीं हुई थी, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में संपन्न हुआ था, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़े गौरव की बात है जिस तरीके से चुनाव आयोग अब उसको सम्मानित करने जा रहा है। जिसमें अगर हम देखें तो 25 तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, जिसमें जो भी उत्तर प्रदेश के पुलिस के आला अफसर है, कहीं ना कहीं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न हुआ, जहां पहले लगातार जहां हिंसा की घटनाएं होती थी उस तरीके की कोई घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। हाँ। जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी ओपी सिंह, साथ ही साथ उस समय के आईजी कानून व्यवस्था रहे प्रवीण कुमार, उसके अलावा जो एडीजी एलओ रहे आनंद कुमार जो कि वर्तमान में डीजी जेल है, उसके अलावा अगर हम देखें एसएसपी जौनपुर, एसएसपी मेरठ, उसके अलावा जो डीएसपी और एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं जो पुलिस मुख्यालय में तैनात थे, साथ ही साथ जो चुनाव प्रकोष्ठ से जुड़े हुए अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, उन सभी को 25 तारीख को चुनाव आयोग सम्मानित करेगा, जिसका लेटर चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। 25 तारीख को 11:45 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होगा, जिनमें इन सभी पुलिस ऑफिसर्स को जो कि उत्तर प्रदेश के आला पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको चुनाव आयोग की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। तो और यूपी पुलिस को ये सम्मान राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 के अवसर पर दिया जाएगा। वाजपेयी, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी हम आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। इस तरह से यूपी पुलिस सम्मानित होने जा रही है, चुनाव आयोग यूपी पुलिस को शांतिपूर्ण इलेक्शन के लिए क्रेडिट देते हुए सम्मानित करेगा। चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस को लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर्स की सराहना होगी, उन्हें सम्मान प्रदान किया जाएगा। खबर लखनऊ से, जहां पर यूपीपीसीएस में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा। जी हां, अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, बता दें आपको कि ऑडिटर के इस्तीफे के बाद पीसीएस संघ में घमासान मचा हुआ है और ये घमासान लगातार जारी है, फिलहाल तो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। दरअसल पीसीएस संघ में संयुक्त सचिव कपिल सिंह ने एक पत्र लिखा है कि पीसीएस की विभिन्न समस्याओं समेत विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। संघ की लचर कार्य प्रणाली पर भी संयुक्त सचिव ने सवाल खड़े किए। एजीएम बुलाने और कार्यकारिणी गठन को लेकर लगातार वहां पर हलचलें चल रही है और इस तरह से यूपीपीसीएस एसोसिएशन में फिलहाल हड़कंप सा मचा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, पीसीएस संघ में घमासान जारी है। इसके बाद भी हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। वाजपेयी, यूपीपीसीएस एसोसिएशन के अंदर आखिरकार ऐसा सब कुछ क्या चल रहा है जिसकी वजह से इस तरह की हलचलें वहां पर, इस तरह का हड़कंप मचा हुआ है वहां पर? बिल्कुल, हम जिस तरीके से देखें उत्तर प्रदेश में करीब 1200 से ज्यादा पीसीएस ऑफिसर्स तैनात हैं, जिसमें उनकी खुद की एक एसोसिएशन है, लेकिन जिस तरीके से पिछले लंबे समय से लगातार जो उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन बावजूद इसके यूपी पीसीएस एसोसिएशन ने इस पर कोई भी अपना स्टैंड नहीं लिया, ये भी एक बड़ी वजह है जिसको लेकर पीसीएस एसोसिएशन में लगातार विरोध के स्वर उठते रहे। उसके अलावा जिस तरीके से जो एजीएम होती है जो कि सालाना वार्षिक मीटिंग है एसोसिएशन की, वो करीब 2 साल से नहीं हुई है, जिसको लेकर भी जो पदाधिकारी हैं वो अपनी आवाज उठाते रहे। उसके अलावा जिस तरीके से पीसीएस एसोसिएशन की कार्यकारिणी है, कहीं ना कहीं वो अपनी बात उसने नहीं रखी, जो पीसीएस संघ की समस्याएं हैं जिसके लिए एसोसिएशन का गठन हुआ है उस पर भी उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, जिस पर अभी करीब 2 दिन पहले ही जो संघ के ऑडिटर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके अलावा कल की अगर हम बात करें तो जो संयुक्त सचिव हैं संघ के, उन्होंने अध्यक्ष को पत्र लिखा और बहुत सारी समस्याओं को लेकर, संघ की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए हैं। तो हम देखें इस तरीके से उत्तर प्रदेश पीसीएस एसोसिएशन में कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ, और जो चीजें हैं जिस पर कहीं संघ अपनी स्थिति नहीं क्लियर कर रहा है, जो पदाधिकारी है वो अपनी स्थिति क्लियर नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर भी संयुक्त सचिव ने सवाल जरूर उठाए हैं। तो बड़ा सवाल यही है, यूपीपीसीएस एसोसिएशन एक प्रतिष्ठित नाम है, इस तरह की खबरें उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है, प्रश्न चिन्ह लगा देती है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल है और एक प्रश्नचिन्ह भी है, क्योंकि जिस तरीके से एसोसिएशन का गठन हुआ है कहीं ना कहीं उन उद्देश्यों को जरूर नहीं पूरा कर पा रहा है बीसीएस एसोसिएशन, तो ऐसी स्थिति में सवाल उठने लाजमी है। हालांकि एसोसिएशन की तरफ से अब ये कोशिश जरूर की जा रही है एजीएम बुलाई जाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एसोसिएशन की तरफ से पत्र लिखा गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि मुख्यमंत्री उनकी एजीएम के लिए अपना समय दे ताकि एजीएम की तिथि मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब यूपी पीसीएस एसोसिएशन ने समय मांगा है ताकि इस मामले में इंटरफेयर किया जा सके और जो कुछ भी गड़बड़झाला यहां पर जिस तरह से कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं उसको सुलझाया जा सके। शुक्रिया आपका इसके बाद भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। माघ महीने की आज मौनी अमावस्या है और इसी के मद्देनजर प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। जी हाँ, संगम के तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरें आपके सामने। लोग यहां आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पितरों की नामित पूजा अर्चना कर रहे हैं। तकरीबन 1 करोड़ लोगों के वहां आस्था की डुबकी लगाने की बात कही जा रही है। इस तरह से तमाम तैयारियों के बीच, तमाम व्यवस्थाओं के बीच बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु तीर्थराज प्रयागराज पहुँच रहे हैं और आज माघ महीने की मौनी अमावस्या पर व्रत करते हुए जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और यहाँ माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तकरीबन 1 करोड़ लोगों के आस्था की डुबकी लगाने की खबर है। पितरों के नामित पूजा अर्चना आज की जा रही है। बड़ी संख्या में ही सुबह सवेरे से ही लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए, गंगा स्नान के लिए पहुँचे हुए हैं। संगम तट पर इस तरह से लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ आलोक मालवीय हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। आलोक, मौनी अमावस्या है आज, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, ताजा तस्वीरें दिखाएं। तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क हमारा आलोक मालवीय से हो नहीं पाया है। फिलहाल आप बता दें कि आज तकरीबन 1 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। आज माघ महीने की मौनी अमावस्या है, काफी महत्व होता है मौनी अमावस्या का। मौन रखकर व्रत धारण करते हुए भी आज तमाम साधु संत, तमाम लोग इस अमावस्या को मनाते हैं और सनातन परंपरा में माघ मास को अत्यंत पावन मास माना जाता है। इस महीने में विधि विधान से स्नान, ध्यान और साधना का महत्व होता है। वैसे तो इस पूरे महीने में ही स्नान दान का खासा महत्व है, लेकिन आज के दिन यानी कि अमावस्या के दिन इसका अत्यधिक महत्व होता है। यही कारण है कि आज के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुख समृद्धि मोक्ष की कामना के साथ पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और इसी कड़ी में तीर्थराज प्रयागराज में तकरीबन 1 करोड़ लोगों के आज आने की संभावना है और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे तो व्यवस्थाएं भी वहां पर प्रशासन की तरफ से उस हिसाब से की गई है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह सवेरे से ही मौनी अमावस्या पर लोग वहाँ माँ गंगा में स्नान करते नजर आए। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और माघी अमावस्या भी इसे कहते हैं। इस अमावस्या का बहुत महत्व होता है। माँ के महीने में लोग जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पवित्र नदियों के किनारे एकत्रित होते हुए इसे मनाते हैं। तीर्थराज प्रयागराज में संगम स्नान को बेहद ही शुभ माना जाता है और इस बार मौनी अमावस्या आज पड़ी है और आज शनि 30 सालों के बाद दोबारा मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और अब खबर मेरठ से, जहां पर सीसीएस यूनिवर्सिटी में गोलीबाजी का मामला सामने आया। जी हां, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में गोलीबाजी का ये मामला, गोली चलाने वाले छात्र के पिता को मेरठ पुलिस ने बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में भी लिया थाने में छात्र के पिता को, जिसके बाद हार्ट अटैक तक पड़ गया। मेरठ पुलिस के अब हाथ पांव फूल गए हैं। न्यूज ऑन इंडिया के पास गोलीबारी का पूरा सच है। गोली मारने वाले छात्र को कई दिन से धमकियां मिल रही थी। आरोपी अंशुल गुर्जर नाम के छात्र को ये धमकियां दी जा रही थी। मेरठ पुलिस को लिखित में कई बार शिकायतें दी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज अंशुल को यूनिवर्सिटी में मारने के लिए हमला किया गया। अंशुल ने अपनी जान बचाने के लिए वहां पर पलटवार भी किया।
थाना मेडिकल के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के गेट का ये मामला जहां पर ये घटना घटी। इस तरह से सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर गोलीबाजी का ये मामला अतुल पकड़ता हुआ। गोली चलाने वाले छात्र के पिता को मेरठ पुलिस ने बुरी तरह से पीटा, अवैध रूप से हिरासत में लिया, जिसके बाद हिरासत में ही छात्र के पिता को हार्ट अटैक तक आ गया। अंदर कोई घटना नहीं हुई है, रोड पे घटना हुई है, सामने की बात है, पास की। एक व्यक्ति को गोली लगी है जो कि आनंद हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। क्या कंडीशन है उसकी? कंडीशन तो डॉक्टर बताएंगे, वैसे बोल रहा है, इलाज चल रहा है। कुछ पता चला किसने मारी गोली? अभी कोई तहरीर उनकी नहीं आई है, तहरीर आने के बाद हम लोग बता पाएंगे इस बारे में। क्या ये स्टूडेंट था लड़का? स्टूडेंट बताया जा रहा, लेकिन अभी उसकी उसको चेक किया जा रहा कि स्टूडेंट था कि नहीं था। मोहसिन खान हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मोहसिन, गोलीबारी का सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर का क्या ही पूरा मामला? देखिए, सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर गोलीबारी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लगातार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में इस तरह से छात्रों के बीच में आमने सामने की फायरिंग होती रही है, लेकिन बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन आज तक भी कोई ऐसे पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाया है कि जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। हमने देखा और आपने भी सुना है कि जिस तरह से मेरठ के डिप्टी एसपी हरिमोहन सिंह कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कोई घटना नहीं हुई है, रोड पर हुई है, जबकि उन्होंने ही जो फोर्स पुलिस वहां पर भेजा था वो विश्वविद्यालय के बिल्कुल मुख्य द्वार की एक घटना है, जहां पर शिक्षक नितर रवि भारत चिकारा के बेटे हैं, शॉटपुट के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं विशु वहां पर खड़े हुए अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। उसी वक्त वहां पर आरोपी जो है उसका नाम है अंशुल गुजर, वो वहां पर पहुंचता है और उनके बीच कोई कहासुनी होती है, जिसके बाद अंशुल गुजर विशु के ऊपर गोली चला देता है, जिसमें वो घायल हो जाते हैं और वहां से फरार हो जाता है। सीसीटीवी के आधार पर ही अंशुल गुजर की पहचान हुई, जिसके बाद पुलिस ने लगातार दबिश देने की कोशिश की, लेकिन अंशुल फरार हो गया और उसके बाद में अंशुल की गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाने के लिए फफूंडा से उसके पिता अरुण को। और इतना सब कुछ होने के बाद भी कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ। मेरठ पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन खान, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, इसके साथ नमस्ते यूपी में फिलहाल बस इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।